हमको पीछे के गेट से नहीं जाना है। पप्पू जी की दुल्हन है हम, शान से जाएंगे मेन गेट से। पर दरवाजा टूट गया है ना, तो 2-4 नौकर को बुलाइए और ठीक कराइए दरवाजा। और आप यहाँ फोटो खिंचाने आए हैं, जाइए दरवाजा ठीक कीजिए। अरे मगर वहाँ से चली जाओगी तो क्या हो जाएगा? पप्पू जी वो दरवाजा बहुत छोटा है, मोनू हमको दिखाया था वीडियो कॉल पे, इल्ला की रस्म के लिए जब आया था ना तभी, वहाँ का तो व्यू भी अच्छा नहीं है और फोटो भी अच्छा नहीं आएगा, और हमको तो हमारी फ्रेंड को फोटो भी भेजना है, तो उन्हें कहाँ बोलेंगे कौन से गेट से एंट्री किए हैं हम? नहीं नहीं हमको तो मेन गेट से ही जाना है। हादरिल्ला कुछ कीजिए ना। अरे झरिया क्या मुंह देख रहा है, चल उठा दरवाजा, बुला 2-3 लोगों को, उठवाओ बपान, चल उठाओ। ए झरिया बाबू इसको उल्टा करो। तब तक आप लोग भी कुर्सी लेकर बैठ जाइए ना। और सुनो हमरे लिए भी एक कुर्सी ले आना, और घर में कोल्ड ड्रिंक है ले आओ। तो तुम समय बीता जा रहा है, जल्दी करो झरिया। तुम समय का चक्कर का है भाई, तुम जब को चुप रहोगी मेहमान लोग का सोचेगा कि कैसी दुल्हन है। हम जब आए थे ना हवेली पहली बार, 6 महीना बोले नहीं थे हम, तब से चुप ही नहीं हुई है। अब देखिए वो कलश गिर के पूरा सत्यानाश हो गया, अब से 45 सेकंड में सुमहूर्त चला जाएगा। क्या? 1 मिनट भी नहीं है, सुमहूर्त निकल गया तो अनर्थ हो जाएगा। ए तेतर कुछ करो भाई। अरे झरिया ए चलो जल्दी ठीक करो ये सब। बड़की दुलिन बेटा ये सब पुल ठीक करो। अरे ये लोटा भी चिपक गया ना। अनारो जी चलिए जल्दी कीजिए भाई रसम, कहाँ टाइम है नहीं है। ये कलश तो पूरा ही पिचक गया है और इनमें से सब गिर भी तो गया है ना। ढोल भरी जैसे थिएटर में फिल्म रिपीट होता है ना 12 से 3, 3 से 6, और जैसे सीरियल सबका रिपीट टेलीकास्ट होता है, ठीक वैसे ही कलश जाने का रिपीट टेलीकास्ट कर देते हैं। मतलब कि मुझे खत्म हो गया। देखिए ना सब तो जल्दी कलश गिरा देते हैं। ए रुको अब क्या होगा? अरे अम्मा अगर ये वाला रसम इन मेन प्रवेश द्वार से हुआ ना तो जान लो अनर्थ हो जाएगा, ना बब्बू बचेगा
नई शादी। पंडित जी हमको साफ साफ कह दिए थे कि देखो ये सब होने वाला। नहीं नहीं नहीं, हम अपने ऊपर सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, बाकी बब्बू पे नहीं। बब्बू को कुछ नहीं होना चाहिए और उसका शादी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये मैटर बब्बू जी के लाइफ का है और हमारा शादी का है तो रहने देते हैं। हम पीछे का दरवाजा से चले जाते हैं। हम अपना शादी में कोनो अपशगुन नहीं चाहते हैं। अरे वो है तो हम कब से ना बोल रहे हैं बेटा कि पीछे वाला द्वार से तुमरा गिरी प्रवेश करवा देते हैं। बाकी तुम का ना बोलती हो इनको, तुमरे फादर इनला हमरे बतिया नहीं समझते तो हम का करें। चल पीछे वाले द्वार से आओ, तुम्हारा गृह प्रवेश करवा देते हैं। पर्वतिया दुल्हन को लेकर आ, आगे का रसम भी तो करना है ना। चलिए बाबूजी, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए चलिए चलिए। चौखट ना लांग पाए यही ले लापी सारा खेला खेली है। हम तो आपसे पहले ही कहे थे कि वो घाट टोला वाली छोड़ी को हम अपना चौखट लांघने नहीं देंगे। अरे वाह, घर तो बहुत अच्छा बनाया है। अरे थोड़ा तो चुप रहो। एक्सक्यूज मी, आई टॉकिंग टू हस्बैंड। क्या जी? हाँ, बाबू भीतर जाओ बेटा, जाके दादी का आशीर्वाद ले लो। हाँ मम्मी। अरे बाबू जी, अरे अब तुम नहीं, तुम नहीं। हम काहे नहीं, आशीर्वाद दोनों को ना लेना पड़ता है। एक घर का रसम अलग है बेटा। मगर माँ जी, हमरे और डब्लू जी के टेम पे तो हम दोनों साथ में ही गए थे का जी? अरे अम्मा, काहे कर रही है ऐसा? अब तो शादी हो गया है ना, जाने थे। भीतर जा। डब्लू भैया आइए, चलिए ना। आइए ना। अरे बाबूजी, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ आइए, यहाँ बैठना है, यहाँ यहाँ नीचे, यहाँ यहाँ का है, अंदर का ही नहीं। अंदर जाने का बहुत जल्दी है बहू रानी को। बहू रानी सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, मगर हमको अंदर कहीं नहीं ले जा रहे हैं। तुमरा और बब्बू का अंगूठी वाला रसम ना होगा यहाँ। ओह अच्छा, हम तो भूले ही गए। चलिए रसम शुरू करते हैं। जाइए, जाके दूध का बर्तन ले आओ, जाओ। देखिएगा मदर इन ला, सबसे पहले अंगूठी हम ही ढूंढेंगे। हर रोज मैसेज में हमको 5 स्माइली भेजेंगे। एक आंख बंद करके स्माइल, दोनों आंख खुले वाला स्माइल, जीभ बाहर वाला स्माइली, एक आंख बंद करके वाला स्माइली, और ये तो सबसे अच्छा है, हंसते हंसते रोने वाला स्माइली। पापा क्या देख रहे हैं? स्माइली अभी भेज रहे हैं निम्की को? नहीं बेटा,
अभी तो वो अपनी दुनिया में खुश होंगी ना, सब लोग होंगे उनके पास नई दुल्हन को देख रहे हैं। अभी उनको हमारी स्माइली की जरूरत नहीं होगी बेटा। मगर तुमको तो है। वो तो खुश है पर तू? अरे हम भी खुश हैं। हमको तो नहीं लग रहा है। अरे इधर आइए, इधर आइए, ठीक से देखिए ना, एकदम चश्मा लगा के। क्या मासी, आप भी एकदम बूढ़ा गई है, हैं? देखिए एकदम खुश है, हैं? और आज तो हमारी प्रिंसेस एलिना बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी विदाई में। सब लोग एलिना के बारे में बात कर रहे थे घाट टोला के, सब लोग, है कि नहीं? सो तो है, मगर हम तुम्हारा बात कर रहे हैं। हाँ तो देखिए ना, और कैसे खुश रहा जाता है बताइए, हैं? देखिए हम हंस भी रहे हैं। हम का देखे, आईने के सामने जा और खुद को देख। ये आंखों में आंसू, मुंह पर फीका मुस्कान, इसको खुश नहीं बोलते बेटा, समझा तू? तो क्या करे मासी, जिंदगी कोई मोबाइल तो है नहीं कि कोई भी मनमर्जी का स्माइली लगा ले। एलिना अंदर जा बेटा, जा। रोल एक बार, जी भर के रोल, नहीं तो हमेशा घुटता रहेगा। मोबाइल में आंसू के साथ मुस्कुराहट वाला स्माइली नहीं है मासी। यही तो अंतर है जीवन और मोबाइल में। रियल लाइफ में अच्छा स्माइली काहे नहीं है मासी, काहे नहीं? हो रहा है और कितना टाइम लगेगा, मैं जाकर पूछो तो सही। अरे बाप रे, इतना बोलती क्यों तुम्हें? मुखिया ना है मुखिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे आप सबको हम कैसी लगी? अपना बेटा बेटी का कसम खा के कहिए कि आज तक हमने इतनी ब्यूटीफुल बहू नहीं आई होगी टोला में। जब हम भी ना ऐसे ही बैठेंगे। का मतलब? तुम अब दादी का नकल करोगी? अरे नहीं, हम तो बस यूं ही। का खिकी खिकी, सर्कस का खेला उला चल रहा है, चुपचाप रहिए ना आप लोग। माँ रसम का टाइम हो गया है, रसम शुरू करते हैं ना? जितना जल्दी हो सके सब खेल तमाशा खत्म कर, हमारा ना दम घुट रहा है। अम्मा सबके सामने कुछ नहीं ना बोल सकते। ए गजवा वाली, देखो ना पर्वतिया कहाँ रह गई। अब वो दूध का बर्तन लाओ, अंगूठी कहाँ है? हाँ हाँ दादी देखते हैं। पर्वतिया रसम करते समय साथ में ना बैठना है हम दोनों को। इसमें रुपया या सिक्का नहीं है, मुस्कान भरा है, भाव बन के उड़ जाएगा। तो क्या हम आज जो है ऐसे ही उदास रहेंगे? सैड काहे रहिएगा, हम दे रहे ना स्माइल। अरे जल्दी जल्दी भरो डब्बा में मिठाई, पूरे गांव में बहना बांटना है।
ये सब झमेला ना आज खत्म कर दो, कल हम चले जाएंगे। कल काहे जाओगी, जब दीदी हुआ से ही आएगी तो मिलोगी नहीं का? मोनू कैसे कर रहा है, ठीक से करना, देख ऐसे। हाँ हाँ पूछ गए, निमकी दीदी चली गई, ज्यादा भाव मत का, मैं तो अभी फोन करके बुला देंगे। अच्छा वो कलेक्टर है का कहीं की, डरते है का मुझसे? आओ देखो अपने बाप को गुल्लक लेकर बैठे। का हुआ? कुछ नहीं। दीदी का कोई बात याद आ गया? अब यही देखो ना, बेकार में निमकी जो अपना मुस्कान से भरा हुआ गुल्लक देकर गई। अरे उसका तो एक एक बात जो है ना आदमी याद कर लेना तो हंसता रहे। हाँ और हंसते हंसते रोना भी तो आ जाएगा ना। देखो देखो कोई रोना नहीं है? देखो जब रोना आए ना मैंने मन ही मन निमकी का कोनो बात याद कर लेना, अपने आप हंसी आ जाएगी। अभी तो वहां अंगूठी का रस्म चल रहा होगा ना, पूछे का? अरे कितना सजाइएगा महाराज, जल्दी कीजिए ना, खत्म कीजिए। बाप रे बहुते बेचैन है दूल्हा। चलिए अब शुरू कीजिए। चलो भाई गीत शुरू करो। सुंदर कनिया श्याम रतनिया, जानते हो ना जो जीतेगा वही राज करेगा। अरे कहाँ दादी, हम रे और डब्लू जी के टाइम पे हम ना जीते थे, मगर अभी तक राज तो माजी का ही चल रहा है ना। मुंह बंद नहीं रह सकता है तुमरा। चलो जल्दी से खेला खत्म करो। मौआ, दीदी कैसी हो, कहाँ हुआ? एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है और तुम हमको मिस कर रही हो। तुमको मिस नहीं कर रहे हैं हम। अच्छा तो फिर फोन काहे की हो? तुम्हारा हालचाल जानने के लिए ना। तुम्हारा नहीं, तुम्हारे ससुराल वालों का हालचाल जानने के लिए। वो सब ठीक है ना? दीदी तुम वहां से बोर होके यहाँ आने का सोचना भी मत, अब हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, समझी? इधर हम थोड़े आएंगे वापस। और वैसे भी हमरा टेक केयर करने के लिए यहाँ लोग कम है का? दादी जी, मदर इन लॉ, स्वीटी, पता है बड़की भाभी को तो यहाँ सब लोग कछुआ वाली बोलते हैं। ए, ये का बोल रही हो? दीदी तुम मत बोलना, वो तुमसे बड़ी है ना। तू इसको चुप कराना, पूरा दुनिया का बात करेगी का? दीदी अब का बोले, पगलेट है एक नंबर की। ये रसम में उसको छूना नहीं,